माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। जैसे कि हम शुरू से फाइलम पढ़ते आ रहे हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम था आर्थ्रोपोडा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो फाइलम आता है वो मोलस्का है। मोलस्का के जानवर दुनिया में आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे ज्यादा हैं। अगर हम समुद्र में देखें तो लगभग 23% मैराइन एनिमल्स आर मोलस्का। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 लाख स्पेसीज आर्थ्रोपोडा की पाई जाती है, ये मोलस्का की पाई जाती है। ये मोस्टली एक्वेटिक, जो कि दोनों तरह के पानी में मिलेंगे, ताजे पानी में मिलेंगे, समुद्र के पानी में भी मिलेंगे, लेकिन कुछ डैम्प सोयल में, नम सोयल में, डैम्प सोयल में भी पाए जाते हैं। जैसा कि नाम है मोलस्का, ये मोलस्का वर्ड एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वो करैक्टर है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड, जिनका शरीर सॉफ्ट होता है। इसमें वो जानवर आते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट है। मोलस्का की जो स्टडी है, एक नई ब्रांच है मोलस्का, इतने होते हैं, एक नई ब्रांच है बायोलॉजी जिसको कहते हैं मोलेकुलोजी। मोलेकुलोजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ओनली मोलस्क। मोलस्का के ऊपर एक सेल पाई जाती है, ऊपर एक कवच पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है कैल्शियम की। इस सेल की भी अलग से स्टडी होती है, इसको हम कहते हैं कोंकोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल कोंकोलॉजी। अब हम चर्चा करेंगे मोलस्क के करैक्टर्स, इंपॉर्टेंट करैक्टर्स। जैसा कि पिछले फाइलम में हमने बताया था, चार करैक्टर्स सबके चले गए आगे, और वो करैक्टर मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। ट्रू सिलोमेट, ये ट्रू सिलोमेट है जिनमें सिलोम ट्रू है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन जर्मिनल लेयर। ये करैक्टर आप बार बार पढ़ रहे हैं। ट्रू सिलोम है, इनकी सिलोम वास्तव में साइजोसील है, और इस सिलोम में फ्लूइड भरा हुआ है, इसलिए सिलोम को हम हीमोसील भी कहते हैं। ये ट्रू सिलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और तीन जर्मिनल लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए इनको ट्रिप्लो ब्लास्टिक भी कहते हैं। अब इनका दूसरा करैक्टर आता है, इनकी जो बॉडी है, बॉडी में सेल मेंटल और मेंटल के नीचे मेंटल केविटी, विसरल हम्प, और एक मस्कुलर फूट, ये इनके इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं जो आप पढ़ेंगे किसी ग्रुप में नहीं पाए जाते। ना तो किसी में सेल है, ना ही किसी में मेंटल है, ना ही किसी में फुट है। फुट ये मस्कुलर पार्ट है बॉडी का, जो लोकोमोशन के लिए इनमें काम आता है, मूवमेंट के लिए काम आता है, ये ऑर्गन है फुट। इसके अलावा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है,
माउथ भी है, एनस भी है, लेकिन मुंह के अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला पाया जाता है। ये इनका यूनिक करैक्टर है और किसी ग्रुप में नहीं मिलता। आप पढ़ेंगे, दिस इज द रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला। रेडुला एक मुंह में इनके रेस्पिंग पार्ट है जिसके द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड है, किसी की भी बॉडी में सेगमेंट नहीं होते, लेकिन एक जानवर ऐसा है इसमें, उसकी बॉडी में सेगमेंट है, उसका नाम है नियोप्लीना। नियोप्लीना इज ए सेगमेंटेड एनिमल। इसके अलावा इनमें रेस्पिरेशन बाई टीनीडिया, टीनीडिया इनके गिल होते हैं इन दी मेंटल केविटी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में भी ओपन था और इनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। ब्लड केविटी में बहता है, चैम्बर है जिनमें पेरिकार्डियल केविटी जो हार्ट के चारों ओर है, दूसरी केविटी है गोनेडियल केविटी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों ओर है, और नेफ्रिडियल केविटी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के चारों ओर है। ब्लड इनका जनरली ब्लू कलर का होता है और उसमें एक पिगमेंट है हीमोसाइनिन, जो कि ब्लू कलर का कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। इसमें कॉपर होता है। इनके जो ब्लड के पिगमेंट, हमारे में आयरन होता है, इनमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, क्या नाम है इसका, हीमोसाइनिन। इसके बाद इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए नेफ्रिडिया हैं जो पेयर में होते हैं, दो हैं, लेकिन कुछ में गिल्स भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं, वेस्ट निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा इनमें नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लियन है, उनके साथ कनेक्टिव है, और कनेक्टिव के साथ कमीशन है बीच बीच में। ये इनका नर्वस सिस्टम है जो पहले से वेल डेवलप्ड है। बाकी जानवरों से इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, हमने पढ़े थे आर्थ्रोपोडा, उनसे इसका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। इनकी जो एपिडर्मिस है, ऊपर की जो कवरिंग है, सिंगल लेयर है, उसमें केवल एक लेयर सेल की होती है और वो सेल भी सीलिएटेड होती है। इसके बाद इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे यूनिसेक्सुअल हैं, मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। ओविपेरा से अंडे देते हैं, लार्वा ज्यादातर बनता है, ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ग्लोकीडियम लार्वा है, वेलिगर लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, ये इनके लार्वे हैं। इसके अलावा ये जानवर बहुत ही कामयाब है क्योंकि इनके ऊपर एक कैल्शियम की सेल पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की सेल।
एक कवच पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सेव रहते हैं। आपने देखा होगा शंख, जो शंख है उसके अंदर एक जानवर रहता है, वो मोलस्क है। तो ये इनके इम्पोर्टेंट करेक्टर थे मोलस्क के। इसमें जो बॉडी कैविटी है उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, इसलिए बॉडी कैविटी हीमोसील भी कहलाती है। ये इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर थे। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। यूनियो पाइला डेंटेलियम, डेंटेलियम का एलिफेंट, डेंटेलियम एलिफेंट टस्क सेल भी कहते हैं। इसकी शेप हाथी के दांत की जैसी होती है। ऑक्टोपस डेविल फिश है। लोलिगो सीपिया पाइला, पाइला पहले आ गया, ये इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये था हमारा। इसके अलावा लाइमैक्स एक न्योप्लीना, ये इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये हमारा था मोलस्क का।